अच्छे से कर गाइस, अगर आपको हमारा डांस थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब का ठोक दीजिए। सही बोला। और रास्ते में एक अंकल का स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रहा था, बहुत देर से वो परेशान थे, स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। फिर मैं गया, उनका हेल्प किया, स्कूटी उनका स्टार्ट हो गया। सो गाइस, फाइनली मैं छत पे आ गया और ये तीनों बंदर गांधी जी का वेट कर रहा था मेरा। और गाइस, भैया पता नहीं हमारा पोपट का दे दिया था। और गाइस, मैं अभी घर गया था तो मेरा ट्यूशन छुट्टी हो गया। आज का ब्लॉग मैं काफी दिन बाद बना रहा हूँ, करीब 1 वीक हो गया, 1 वीक से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। कल रात यात्रा का पूजा था और अभी बोलने भी नहीं दे रहा। कल रात यात्रा का पूजा था, ये ब्लॉग में बना ही नहीं। हजार बार बोला ब्लॉग बना लो यार, नहीं बनाए। मेरा बेइज्जती कर रहा है। रहा था, क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? मेरा हेट मार। भर के लाइक ठोको, मेरा बेइज्जती कर दिया आयुष। तो काफी दिन के बाद ब्लॉग बना रहे हैं और आयुष बोल रहा है कि मैं बहुत दिन के बाद आपके ब्लॉग में आ रहा हूँ। अभी हम लोग फील्ड में हैं और अंश भी मिला है। अंश, ये लोग मुझे यहाँ पे मिल गया, मैं ऐसे ही गोलगप्पे खाने आया था तो मुझे ये लोग मिल गया तो ब्लॉग बनाने का मन हो गया, क्योंकि ये लोग तो मेरा मोटिवेशन है। क्या मोटिवेशन स्पीकर, तो मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया और अभी ये लोग के साथ मस्ती करेंगे। और अंश स्मार्ट वॉच लिया आप लोगों को दिखा रहा है। कितने में लिया? ये 3000 के आसपास था। चलो, फोन कनेक्ट होता है ना उसमें? फोन हाँ कनेक्ट होता है, लेकिन मेरे भी ऐसा। और अभी फील्ड में हम लोग घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं और इधर में और भी बच्चे लोग हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर ही हैं। तो आप लोगों को पहले फील्ड का एक व्यू देते हैं, मस्त सा सिनेमैटिक शॉट, उसके बाद फिर हम लोग मस्ती करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना है। तो जो जो हमारे चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पर दबा दें। तो गाइस, आप लोगों को मैंने अभी फील्ड का व्यू दिखा दिया और अभी आयुष और ये दोनों डांस, ये दोनों अभी डांस करने वाला है। तो ये दोनों का भी डांस अभी दिखा दे, फनी डांस करने वाला है। अच्छे से गाइस, अगर आपको हमारा डांस थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब का ठोक दीजिए। सही बोला, एटलीस्ट 1 मिलियन और अंश भी खेलने वाला है। तू गोलकीपर बन जा, ओए मैच खेलते हैं, आ जाओ हम लोग मैच खेलते हैं। मैच खेलेगा, एक मैच खेलते हैं, आ जाओ जल्दी से, एक मैच खेलते हैं, देखते कौन जीतता है। दो टीम बनेगा अभी। हाँ अच्छा ठीक है, तो गोलकीपर बनना। गाइस देखिए, वो दोनों जो कुत्ता है ना, वो जो पीच पे वो प्लास्टिक लगा है ना, उसको फाड़े जा रहा है, फाड़े जा रहे हैं कि ये कुत्ता था, एक ये कुत्ता और एक देखिए उसको वो फाड़ रहा है अभी। चलते हैं थोड़ा, चलो पास में चल के देखते हैं। नहीं, वो मेरे कुत्ता पीछे पड़ा है, मैंने ये पीच पे कारपेट लगा हुआ है ना, इसको भींग ना जाए इसके लिए लगा दिया गया। बट ये देखिए क्या कर रहा है। ओए ओए क्या कर रहे हो, तेरे को कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो प्लास्टिक फाड़ रहे हो भाई। कैंसर हो सकता है, कैंसर। गाइस यार, मुजरा वाले क्या, एक बार मेरे पीछे मुजरा मुजरा। गाइस गाइस, ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, एक बार रो दिया था, इनसे पूछो। रुला कुत्ते, वो पागल कुत्ता है, पागल कुत्ता बच के रहना, नहीं तो रुला देगा। गाइस ये देखो देखो देखो, लड़ाई कर रहे हैं, देखो। गाइस गाइस, ये मेरे पीछे पड़ा था, मैंने इसका छो था। अभी ये लोग का टीम रेडी हो चुका है और ये अंश गोलकीपर है, देखते ये लोग गोल कर पाता है कि नहीं। करो, चलो तुम लोग चार लोग हो टीम में, चार लोग गोल करो, देखते हैं अंश बचा पाता है कि नहीं। करो जल्दी, बचा लिया बचा लिया, फिर से फिर से फिर से। हाँ टीम बना के खेलते हैं ना, दो टीम में जा, गोल हो गया। सो अभी मैं फाइनली फील्ड से आ चुका हूँ, खेल के बच्चे लोग के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया। और रास्ते में एक अंकल का स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रहा था, बहुत देर से वो परेशान थे, स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। फिर मैं गया, उनका हेल्प किया, स्कूटी उनका स्टार्ट हो गया और मैं देख सकता हूँ अब लोग पसीने से मैं भींग भी गया।
तो आप लोग भी किसी बुजुर्ग आदमी को रास्ते में अगर देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम में अगर होते तो हेल्प कर दिया कीजिए। हेल्प करने से कुछ जाता नहीं है, तो आप लोग से जितना हो सके तो हेल्प कर दीजिए। तो अंकल का स्कूटी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मैंने फिर उसका किक से स्टार्ट किया, सेल्फ काम नहीं कर रहा था, उनका बैटरी पूरा ख़त्म हो गया था स्कूटी का, तो फिर मैंने किक से उनका स्टार्ट किया। काफ़ी ज़्यादा किक लगाना पड़ा और मैं पसीने से भींग गया हूँ। सो अभी चलते हैं घर पे या फिर छत पे चलते हैं, क्योंकि घर पे तो अभी जाना बेकार ही है, क्योंकि मम्मी लोग घर पे होगी नहीं, तो सो अभी छत पे चलते हैं। और आप लोगों से कुछ और भी बात करना है थोड़ा बहुत, तो वो भी कर लेंगे छत पे जाके। मिलते हैं आप लोगों से छत पे पहुँच के। सो गाइस फाइनली मैं छत पे आ गया, ये तीनों बंदर गांधी जी का वेट कर रहा था मेरा। और गाइस भैया पता नहीं हमारा पोपट कर दे दिया था, और गाइस मैं अभी घर गया था तो मेरा ट्यूशन छुट्टी हुई, तो मेरी गलती नहीं इसमें। और एक अंकल का स्कूटी खराब हो गया था, तो मैं तब से किक मार मार के स्टार्ट कर रहा था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, अंकल का कोई हेल्प नहीं कर रहा था, तो मैं सोचा गाइस ये मैकेनिक है, इसको प्लीज कांटेक्ट करिएगा। नहीं मैकेनिक नहीं, थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ा किक, क्योंकि अंकल थोड़ा बुजुर्ग टाइप के थे तो उनसे हो नहीं रहा था, तो मैं कर दिया। और हेल्प करना चाहिए इंसानियत के नाते, प्लीज हेल्प करिए अभी। और तो अभी मस्ती करते हैं ये लोग के साथ, एक मस्ती होके तो आ गया। और ये दो, ये भी काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग में आया, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग बना रहे हैं। और ये भी गांव में चला गया था, गांव से आया, ये भी गांव में मेरे साथ दिल्ली जो के फर्स्ट ब्लॉग लॉन्ग, और इसका फर्स्ट ब्लॉग आ गया, तो आप लोग पिन कमेंट में जाके देख लीजिएगा इसका चैनल। आप लोग इसको भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, ऐसे मेरा तो खुद का ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन इसका कर दीजिएगा, चलो हो जाएगा। अरे गाइस मैं पहली बात बता दूं, बता दूं आज राता, बताओ कुछ नहीं बोला, बोलो बोलो, शर्मा गया क्या? कौन? देखो गाइस ये लड़कियों की तरह शर्मा रहे लोग। अच्छा आप नहीं शर्माएगा, राज बोलेगा, क्या बोल रहा था राज? भूल गया, तुम क्या बोल रहा था? किसके सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, कहानी कर रहा है कारस्तान। तुम कुछ बोलेगा नहीं, ब्लॉग एंड करूंगा तो नहीं बोलेगा, तो जल्दी बोलो क्या क्या बोलना था। कुछ भी नहीं बोलना, मैंने तो कुछ और यहाँ पे कौवा बैठा है, और रथ यात्रा खत्म हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत सूना सूना लग रहा है, पूरा सब चीज खुल गया है, पूरा पहले कितना सारा डेकोरेशन था, सारा फ्लावर आप देख सकते हैं, सूना सूना लग रहा है इस जगह, फ्लावर सारा की वजह से फ्लावर सारा सूख गया है गर्मी के कारण, इंसान सूख रहा है इतना गर्मी में, तो ये भगवान जी का फूल, चलो भगवान जी का फूल नहीं है वो फूल, तो घर कितना गंदा पड़ा। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं और एंजॉय करते हैं, और इस ब्लॉग को आज यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।